नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मल्टी टेक चौहान। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में पैशन प्रो के फ्यूल मीटर के बारे में बताएंगे। ये देखिए, आपने पैशन प्रो का पिछला वीडियो देखा है जिसमें कि मैंने फ्यूल मीटर के बारे में बताया है कि वो जो मीटर रनिंग करता है तो वो किस वजह से रनिंग करता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आता है और कैसे उसका सोल्यूशन किया जाए। तो कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन है कि अगर फ्यूल मीटर को, ये देखिए, इसको हम निकाल करके जो उसका फीमेल है उसको अगर हम डायरेक्ट कर दें, यानी कि जो मीटर का इनपुट आ रहा है जिससे कि फ्यूल का गेज बताएगा, तो उसको अगर डायरेक्ट कर दे तो फ्यूल मीटर में क्या डिस्प्ले आएगा। तो मैंने आज उसी के ऊपर वीडियो बनाया है। तो चलिए बाइक पास आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आता है और इसको डायरेक्ट करने पे एक्चुअली क्या डिस्प्ले में आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो दबा के लाइक और शेयर ठोकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाइक के पैनल को मैंने ओपन कर रखा है जिसे टाइम का बचत हो, और इसको देखिए मैंने निकाल के रखा है। ये जो है ये इनपुट है जहाँ से मीटर में आपको गेज बताएगा, तो इसी को हम शॉर्ट करके देखेंगे। इसको शॉर्ट करने के बाद डिजिटल मीटर में क्या शो करता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन था कि ऐसा करके देखिए और एक वीडियो बनाइए, तो आज देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने ओपन करके चेक कर लिया है, ये देखिए रनिंग कर रहा है। अब मैं इसको शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ क्या एक्चुअली इसमें दिखाएगा। तो आइए इसको शॉर्ट कर लेते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वायर के थ्रू डायरेक्ट करूँगा। आप सॉकेट कनेक्ट करके भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसको शॉर्ट कर लिया है। अब आइए इग्निशन को ऑन करके मीटर में देखते हैं क्या शो करता है। अब ये फुल बताने लगा, ये फुल बता रहा है। आपने देखा दोस्तों, इसको शॉर्ट करने से ये फुल बताता है। अब मैं बताता हूँ एक्चुअली ये होता क्यों है। ये देखिए, जो सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है फ्यूल का, ये जैसे ही अप डाउन होता है तेल भरने के बाद, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये रजिस्टर के थ्रू काम करता है, यानी कि रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है। वो जितना लेवल पे रहेगा उतना वहाँ पे बताएगा, यानी कि रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा बताएगा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम मीटर पे शो करेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बुरी लगी तो डिसलाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।